हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ड्राइव। सो आज इस वीडियो में बात करने वाले टाटा स्टील की तरफ से निकले न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। देख सकते हैं, ये टाटा स्टील का ऑफिशियल वेबसाइट है। परमानेंट जॉब है, हर तरह की फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाती है। और ये ओपन कैटेगरी, मतलब कि आप टाटा स्टील के एम्प्लॉय वार्ड हो या ना हो, रजिस्टर्ड रिलेशंस हो या ना हो, हर कोई अप्लाई कर सकता है। अब यहाँ पर तीन पॉइंट्स है, देख सकते हैं। यहाँ पर टाटा स्टील अभी झारखंड के लिए निकाला था जेट, यानी कि जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए, डिप्लोमा वालों के लिए। बट अभी यहाँ पर देख सकते हैं उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तीनों के लिए निकल चुका है। तीनों के अलग अलग डोमेसाइल, मतलब कि जहाँ जहाँ टाटा स्टील का प्लांट है वहाँ वहाँ के लिए ये लोग निकाल रहे हैं अलग अलग डोमेसाइल के हिसाब से। सबसे पहले झारखंड के लिए निकाल चुके हैं, झारखंड कंप्लीट हो चुका है। 26 को लास्ट डेट था, झारखंड का कंप्लीट हो चुका है, एप्लीकेशन क्लोज है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, उड़ीसा के लिए, महाराष्ट्र के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए एक साथ निकल गया। आज के डेट से अप्लाई स्टार्ट हो चुका है 27 तारीख से, और आप एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो जो लोग यहाँ पे उड़ीसा के कैंडिडेट होंगे, यानी कि डोमेसाइल होंगे, महाराष्ट्र के डोमेसाइल और उत्तर प्रदेश के, वो लोग एलिजिबल हैं। अब डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं क्या है क्राइटेरिया, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मैंने तीनों ही नोटिफिकेशन डाउनलोड कर रखा है, तो देख सकते हैं एक एक करके डील कर लेते हैं इस पर। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे उड़ीसा से। सो यहाँ पे देख सकते हैं, ये उड़ीसा का आपका नोटिफिकेशन है। जो डिफरेंस रहने वाला वो मैं आपको बता देता हूँ, और जो कॉमन रहेगा वो मैं एक में बता देता हूँ। कॉमन जो जो चीज़ रहेगा वो सारा आपका क्वालिफिकेशन, आपका जो भी डिटेल, आपका कब से कब तक अप्लाई करना है, कब एग्ज़ाम होगा, कैसे रहेगा, कौन कौन सा अप्लाई कर सकते हैं, ये सब चीज़ कॉमन है। आपका जो डिफरेंस रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ डोमेसाइल का रहेगा। तो ये चीज़ आप चेक कर लीजिएगा, मैं एक का आपको बता देता हूँ, बाद बाकी का आपका सेम रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जेट का वैकेंसी, यहाँ पे 3 ईयर या फिर फोर ईयर का आपका फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए। किस किस ब्रांचेस में, तो मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, मेटलर्जी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, माइनिंग में, सेरामिक्स में, केमिकल में, या फिर पावर इंजीनियरिंग में। इन सब ब्रांचेस में अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप एलिजिबल है। साथ ही साथ अगर आपने आरडी टाटा टेक्निकल इंस्टीट्यूट जमशेदपुर, या फिर जेएन टाटा टेक्निकल एजुकेशन सेंटर गोपालपुर, या फिर आपने टीएसटीआई यानी कि टाटा स्टील टेक्निकल इंस्टीट्यूट बर्मा माइंस, इन तीन जगह से भी अगर डिप्लोमा किया है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल है। इसमें ब्रांचेस आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, मेकाट्रॉनिक्स, ये दो ब्रांचेस आपको यहाँ पर एलिजिबल किया गया है, और लास्ट वाले में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और मेकाट्रॉनिक्स को एलिजिबल किया गया है। तो ये चीज़ चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं यहाँ पर परसेंटेज का। तो परसेंटेज देख सकते हैं, यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए 60% आपका एवरेज रहना चाहिए, तो परसेंटेज में कोई दिक्कत नहीं है। अप्लाई का यहाँ पे देख सकते हैं, फाइनल ईयर है तो एलिजिबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और पहले पास आउट है तो भी आप एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अब यहाँ पे एज लिमिट का ध्यान देंगे। एज लिमिट आप देख सकते हैं, 1 मार्च 1997 से आपका 31 जुलाई 2005, इन दो डेट्स को मिला के एज लिमिट रखा गया जनरल कैटेगरी के लिए। बाद बाकी यहाँ पे देख सकते हैं, आपको ओबीसी का कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता है आपका टाटा स्टील में। एससी एसटी है तो आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट अब बात करें यहाँ पे आपका ई मेजरमेंट्स का, फिजिकल मेजरमेंट्स, ये चीज़ आपका नॉर्मल है जो हर जगह रहता है। डोमेसाइल मैंने बताया, इसमें उड़ीसा के लिए, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के लिए होगा, और जो आपका उत्तर प्रदेश है उत्तर प्रदेश के लिए होगा। तो बस ये चेंज रहेगा, बाद बाकी सेम रहेगा। सबसे पहले आपका 12 मंथ्स का ट्रेनिंग होगा, जिसमें आपको स्टाइपेंड मिलेगा 15,000 आसपास, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको फूड, हॉस्टल, अकोमोडेशन, ये सब आपको मिल जाता है इसमें, तो कोई प्रॉब्लम रहेगा नहीं। उसके बाद आपका सक्सेसफुल, आपका जब 12 मंथ हो जाएगा, 1 ईयर कम्प्लीट ट्रेनिंग, उसके बाद आपको परमानेंट जॉब में यहाँ पर अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। नेक्स्ट अब बात करें आपको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई आपको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू करना है। अप्लाई के लिए आपको फ़ी लगने वाला है, फ़ी आपको 500 रुपीज़ लगने वाला है सभी को, चाहे आप किसी भी कैटेगरी को, फ़ी आपको सबको पे करना रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट अब बात कर ले आपका एडमिट कार्ड, यहाँ पे देख सकते हैं 8 अप्रैल से आपका स्टार्ट हो जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं। आपको इसके रिगार्डिंग जितना भी चीज़ रहेगा आपको ईमेल आ जाएगा, जब आप अप्लाई करेंगे तो भी आ जाएगा, और जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो भी आएगा। तो ये सब चीज़ चेकआउट कर लीजिएगा। अब बात कर ले यहाँ पर आपका एग्ज़ाम डेट बोल दिया गया 15 अप्रैल 2022, तो एग्ज़ाम डेट आपका फिक्स रखा गया है, तो एग्ज़ाम में कोई चेंजेस नहीं होने वाला। नेक्स्ट अब बात कर ले यहाँ पर आपका बाकी सबका, तो यहाँ पे देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश में भी हर एक चीज़ कॉमन है, सिर्फ आपका डोमेसाइल जो है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश का, बाद बाकी ऊपर से नीचे का आपका सारा नोटिफिकेशन सेम है। महाराष्ट्र में भी एज इट इज़ वही है, देख सकते हैं ये आपका महाराष्ट्र का नोटिफिकेशन में सेम, इसमें भी सब कुछ है, बस यहाँ पे डोमेसाइल जो महाराष्ट्र का बोला गया, मतलब महाराष्ट्र के कैंडिडेट आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप एलिजिबल है। अब यहाँ पे सर्टिफिकेट का क्या क्राइटेरिया, सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आप जब अप्लाई करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाता है। अब बात कर ले आपको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई के लिए सिंपल सा आपको आना है एप्लीकेशन वाले सेक्शन में, और यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर आपको दो लिंक मिल जाएगा। एक आपको मिलेगा जेट 2022 रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और उसके नीचे मिलेगा अप्लाई जेट 2022 एप्लीकेशन ऑनलाइन आफ्टर रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है।
और रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आपको पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। अभी देख सकते हैं यहाँ पे आपका शो नहीं कर रहा, अभी झारखंड वाला ही शो कर रहा है। तो एक बार कल सुबह ट्राई कर लीजिए, क्योंकि लिंक एक्टिवेट हो चुका है। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद आना है सेकंड वाले में, अप्लाई Z202 आफ्टर रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर भी देख सकते हैं आपको लॉगिन करने बोला जाएगा, पासवर्ड डालने बोला जाएगा, और यहाँ से कैप्चा कोड डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन में लॉगिन करने के लिए इसको डेस्कटॉप मोड पे कर दीजिएगा तो आपका लॉगिन हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पे कैप्चा कोड आपको प्रॉब्लम करेगा। या फिर आप रोटेट करके भी इसको कर सकते हैं, लॉगिन समय आपका आराम से लॉगिन हो जाएगा। आप ट्राई करते रहिए, क्योंकि यहाँ पर लिंक एक्टिवेटेड है, आप चेकआउट कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में 27 तारीख से ही दिखा रहा, 27/3/2022 से आप यहाँ पे एलिजिबल अप्लाई करने का, और लास्ट डेट रखा गया 2/4/2022। तो आपके पास काफ़ी कम टाइम अप्लाई करने के लिए, जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिएगा अगर आप यहाँ पे एलिजिबल है तो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।